Good morning. I am Commodore Deepak Anil, Naval Officer in Charge, Odisha, and CO INS Chilka. हमें इस बात की बहुत खुशी है कि इस साल इंडियन नेवी ने उड़ीसा को सेलेक्ट किया है फॉर कंडक्टिंग द ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन ऑन 4th of December. जैसा कि आप सबको मालूम होगा, 4 दिसंबर नेवी का नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इन 1971 वॉर एंड स्पेसिफिकली फॉर द नेवी. जब 4 दिसंबर को पाकिस्तान के कराची हार्बर पे एक बहुत ही घातक हमला नेवी की तरफ से हुआ था, सो टू कमेमोरेट दैट एक्टिविटी नेवी सेलिब्रेट्स 4th of December एज द नेवी डे. कमिंग टू द ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 4th of December, वी हैव टू रिहर्सल्स, वन ऑन 1st, दैट इज टुडे, वन ऑन द 2nd, विच विल बी अ फुल ड्रेस रिहर्सल, और 4 तारीख को फाइनल इवेंट विल बी कंडक्टेड. नाउ इन दिस इवेंट इट इज़ गोइंग टू बी अ स्पेक्टेकुलर शो विच आई कैन अश्योर यू दैट यू वुड हैव प्रोबेबली नॉट सीन, जैसा आपने कहीं देखा भी नहीं होगा, जिसमें हमने काफ़ी सारे युद्धपोत, तकरीबन 15 युद्धपोत हैं, वॉरशिप्स, 40 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट, जिसमें फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स रहेंगे. वी ऑल्सो हैव मरीन कमांडोस, उनका डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच दे विल बी डिस्प्लेइंग टू यू, ब्रिंगिंग आउट द कैपेबिलिटी एंड ऑपरेशनल लेवल्स ऑफ इंडियन नेवी एंड वॉट वी वुड लाइक टू शो टू द पीपल ऑफ उड़ीसा. उड़ीसा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर अस विथ 480 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन. वी डू इंटेंड टू grow in Odisha in the days to come. So I will request all of you to enjoy this show, and we are definitely going to be putting up a spectacular show. So alag alag tarah ke jahaj honge yahan pe, jisme there will be a landing platform dock, ek LPD aayega, then we will have the destroyer ships rahenge, frigates rahenge. नो, डिस्ट्रॉयर में 3 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 3 फ्रिगेट्स हैं, देन वी विल हैव सम कॉर्वेट्स, एंड वी विल ऑल्सो बी हैविंग सर्टन स्मॉलर शिप्स विच आर कमिंग फॉर डूइंग द डिस्प्ले. इन एडिशन, जहाँ तक एयरक्राफ्ट की बात होगी, तो वी विल हैव द फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसमें हॉक्स रहेंगे. वी विल ऑल्सो हैव सम ऑफ द हेलीकॉप्टर्स, द सी किंग्स, द चेतक्स, एंड ALH, एंड सो इट विल बी मरीन कमांडोज रहेंगे. जैसा मैंने कहा, मरीन कमांडोज का देर विल बी अ डेमोन्स्ट्रेशन वे दे विल शो हाउ दे एक्चुअली लैंड फ्रॉम द एयरक्राफ्ट डाउनवर्ड्स, हाउ दे डू देयर ऑपरेशंस वेल बोर्डिंग अ वेसल. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पैक. सो फॉर्मेशन का जवाब पूछेंगे, तो जहाज जो हमने रखे हैं वहाँ पर, वो बेस्ड ऑन द डेप्थ अवेलेबल, हमने उनको 2 लेयर में अभी खड़ा किया है, जिसमें टोटल 14-15 जहाज रहेंगे, एंड दे विल बी डूइंग मैनूवर्स एट सी, एंड दे विल ऑल्सो बी डूइंग इल्यूमिनेशन एट द एंड ऑफ द मैनूवर एक्सरसाइज. जदि आपंक आम वीडियो भल लगा, तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं.